राधा रानी के जन्म की कथा। संसार में प्रत्येक घटना किसी अन्य घटना का कारण बनती है और ये कथा शुरू होती है ऐसी ही एक अद्भुत घटना से। प्रजापति दक्ष की पुत्री स्वधा और पितृदेव की तीन पुत्रियां थी। ये तीनों एक बार वैकुंठ जाती हैं विष्णु भगवान के दर्शन हेतु, परंतु घटनाक्रम कुछ ऐसा बनता है कि इन्हें सनत कुमार श्राप दे देते हैं कि तुम्हें मृत्यु लोक पर जन्म लेना होगा, पर जिसने नारायण के पावन दर्शन कर लिए हों उसका अहित कैसे संभव है। ये श्राप वरदान में बदल जाता है कि जब ये तीनों स्त्रियां पृथ्वी पर जन्म लेंगी तो आदिशक्ति इनकी पुत्रियों के रूप में अवतरित होंगी। देवी मैना को माता पार्वती, धन्या को माता सीता की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और कलावती जो द्वापर में कीर्तिदा के नाम से जन्म लेती हैं, उनके और वृषभानु के घर आती हैं राधा रानी। देवी अपने अवतारों में अयोनिजा हैं। जैसे राजा जनक को खेत जोतते समय सीता माता मिली थी, वैसे ही एक बार वृषभानु नदी में स्नान कर रहे थे जब उनकी दृष्टि एक चमकदार कमल पर पड़ी। उन्होंने जब उस कमल के भीतर देखा तो उन्हें एक अद्भुत तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। वो उस कन्या को अपने साथ घर ले आए। कीर्तिदा और वृषभानु इस कन्या को प्राप्त कर धन्य हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री का नाम रखा राधा, राधे राधे।